The Educators, a project of Beacon House. Assalamu alaikum, class 10. I am delivering the lecture of English literature. Today we will go through the first poem of a textbook, which is The Voice of God. Moving forward, first of all, open your textbook. Then you will go through the content thoroughly. As you can see on your screen, the voice of God is on the first content, is on page number 1. Okay, moving forward to the first poem, The Voice of God. First of all, I want to give introduction about the poet, who is Louis I. Newman. This poem is written by Louis I. Newman, who is born in 1893 and died in 1972. He was born in Providence, Rhode Island, which is in USA, United States of America, and he completed his higher education from Brown University in Columbia. He wrote so many books on different religious topics. The poem, The Voice of God, shows his religiousness. In other words, we can say The Voice of God shows his religious mindset and closeness to God. Now, I am reading the verses, get it carefully. I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple. But God declared, go down again, I dwell among the people. जैसे कि आपको नजर आ रहा है, द वॉइस ऑफ गॉड में सबसे पहले हमारे पास पोएट का इंट्रोडक्शन था और फिर इसके बाद फोर वर्सेस पे कंसिस्ट एक पोएम थी. पहले तो मैं पोएट को एक्सप्लेन करूँगी, उसका इंट्रोडक्शन दूंगी. लुईस आई. न्यूमैन 1893 में पैदा हुए और उनकी डेथ 1972 में हुई. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्टेट प्रोविडेंस रोड आइलैंड में पैदा हुए थे और हायर एजुकेशन के लिए ब्राउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टोरेट लेक्चर्ड एक डिग्री है फिलोसफी की, कोलम्बिया से उन्होंने हासिल की. ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स. बहुत सी किताबें लिखी रिलीजियस टॉपिक से और द वॉइस ऑफ गॉड पढ़ के आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इनका जो माइंडसेट था वो रिलीजियस था. रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे वो काम करते थे, लिखते थे. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड पोयम को डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वाट्रेन विच इज़ कंसिस्ट ऑफ फोर लाइन्स ऑफ वर्सेज. जिस तरीके से उर्दू में रुबाई जिसको हम कहते हैं, रुबाई कंसिस्ट होती है चार लाइन्स पे, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्वाट्रेन होता है, मतलब एक ऐसी पोयम जो चार लाइन पे कंसिस्ट हो और जिसके जो राइम्स हों वो अल्टरनेट हों. A stanza of four lines, especially one having alternate rhymes. अब इसकी explanation कुछ ऐसी है. Alternate rhymes means ये कि one और third line का जो rhymes होंगे, जो sound होंगे वो similar होंगे, या तो two and four line के जो sound होंगे वो similar होंगे. Now I'm moving forward to summarize the poem. Actually, the poet wants to convey his message that in this poem the poet says that he wanted to hear the voice of God. That's why he climbed over a very high tower. But God ordered him to go back again and say to him, find me in people. Poet, खुदा की तलाश में ऊंची बिल्डिंग पे, रिलीज स्टीपल का आपको वर्ड नजर आ रहा है इस स्क्रीन पे. स्टीपल, स्टीपल का मतलब है द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग. मतलब पोएट खुदा की तलाश में एक ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं. In search of the voice of God, खुदा की आवाज़ सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है. खुदा कहता है, I dwell among the people, कि मुझे तलाश करना है तो नीचे जाओ. Go down again, I dwell among the people, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ. इसका सेंट्रल आइडिया कुछ ऐसा है कि if someone wants to be close to God, अगर कोई इंसान अल्लाह पाक के करीब होना चाहता है, अल्लाह पाक की रज़ा या कुर्बत चाहता है, ही शुड नॉट अलूफ हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल. उसे पीपल से, मतलब लोगों से, खुदा की मखलूक से सेपरेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज गॉड लव दोज हु लव देयर फेलो मैन. अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह पाक के बंदों से,
अपने फेलो मैन से मोहब्बत करता है। गॉड इज ऑलवेज विथ अस, बहुत ही सिंपल इसका मैसेज है कि अगर आपको अल्लाह पाक की रजा चाहिए, अल्लाह पाक की कुर्बत का एहसास आप चाहते हो, तो आपको खिदमत खल्क ये हुकुकुल इबाद पे फोकस करना है, तभी आप अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल कर सकते हो। किसी ऊंची बिल्डिंग में पर चढ़ के या दुनिया से कट ऑफ होके आप खुदा को तलाश नहीं कर सकते कभी भी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है विच आई मस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉक्ट, SOUGHT, सॉक्ट विच मीन्स इट लुक फॉर, लुक फॉर। सेकेंड वन इज क्लाइम्ड विच मीन्स चढ़ना, गो एंड कम अप, ऊपर चढ़ना। स्टीपल, एज आई से बिफोर, द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग। द फोर्थ वन इज ड्वेल, DWELL, ड्वेल विच मीन्स लिव इन, आई ड्वेल अमंग द पीपल, इट्स मीन आई लिव अमंग द पीपल। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, द रजिस्टर ऑफ योर स्कूल एजुकेटर्स। ओके, अब करना क्या है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने रजिस्टर में फर्स्ट टर्म, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, फर्स्ट टर्म मेंशन करना है इस तरीके से। देन यू विल मेंटेन योर इंडेक्स लाइक दिस, डेट, टॉपिक, टीचर सिग्नेचर एंड सो ऑन। आफ्टर ऑल यू कैन राइट योर टाइटल, द टाइटल ऑफ द लेसन or poem, the voice of God, and you will, after it you will answer the following questions. As you can see in your screen, there are 5 questions which is compulsory to attempt for you. The question number 1, why did the author climb the steeple? Author steeple pe kyun chadhe the? What does the declaration of God, I dwell among the people? अल्लाह पाक की तरफ से, गॉड की तरफ से डिक्लेरेशन क्यों आई थी, क्या डिक्लेरेशन आई थी कि आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं इंसानों के दरमियान रहता हूँ। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोयम, द वॉइस ऑफ गॉड, द पोयम थी द वॉइस ऑफ गॉड, इसका मैसेज क्या था या क्या है? हु रॉट द पोयम द वॉइस ऑफ गॉड एंड वॉट डू यू नो अबाउट द राइटर? द वॉइस ऑफ गॉड जो पोयम है उसका राइटर कौन है और उसके बारे में आप क्या जानते हैं? Why did the God tell the poet to go down again? God ने poet से क्यों कहा था कि वो नीचे जाए? These are the simple 5 questions. You should attempt all the questions, which is compulsory to give answer for all the questions. Okay, now further. If you want to find out the answers of these questions, you can take help from your textbook by reading the whole context. After reading, you will able to give the answers of the following questions. One thing which I want to mention here, that you do all the homework which I mentioned will be in your school copies, which will check after the lockdown. जो भी काम आपको इस वीडियो के थ्रू बताया गया है, kindly आप ये तमाम काम अपनी स्कूल की फेयर कॉपीज में, स्कूल की कॉपीज में आपको करना है, और ये काम आपका लॉकडाउन के बाद चेक होगा और ज़रूर चेक होगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। The Educators, a project of Beacon House.